दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप लोगों ने चोर बाजार का नाम तो बहुत बार सुना होगा और बहुत से लोग तो चोर बाजार गए भी होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है चोर बाजार में जो सामान बिकता है वो आता कहाँ से है? क्या वो सामान चोरी का होता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा और साथ ही आपको भारत के 5 फेमस चोर बाजार के बारे में बताऊंगा जहां पर मोबाइल, कपड़े, कैमरा, जूते से लेकर गाड़ियां तक मिलती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, क्या चोर बाजार से चोरी का सामान खरीदना सही है और क्या ये सामान टिकाऊ होते हैं? आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, इसलिए चोर बाजार जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप चोर बाजार जा रहे हैं तो कभी भी अकेले ना जाएं, 5-10 लोग ग्रुप में ही जाएं। चलिए अब हम आपको बताते हैं चोर बाजार में जो सामान बिकता है वो कहाँ से आता है। दोस्तों चोर बाजार के ज्यादातर सामान चोरी का नहीं होता। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ज्यादातर सामान चोरी का नहीं होता। ये बोल सकते हैं कि मात्र 50% सामान चोरी का होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चोर बाजार में ज्यादातर सामान पुराने होते हैं और यूज्ड किए हुए होते हैं, मतलब कि सेकंड हैंड सामान ज्यादा बिकता है, इसीलिए यहाँ के सामान ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। वो बोलते हैं ना कि चल गया तो चांद तक वरना घर तक भी नहीं। इसीलिए अगर आप चोर बाजार से सामान लेते हैं तो उसे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। ज्यादातर सामान बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से आता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में बल्क क्वांटिटी में माल आता है और जो सामान 2-3 साल पुराना हो जाता है फिर उसे कोई नहीं खरीदता, वही सामान सीधे चोर बाजार में आ जाता है। चलिए अब आपको भारत के 5 फेमस चोर बाजार के बारे में बताते हैं, साथ ही उन चोर बाजार में हुए कुछ चोरी का किस्सा भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 1, मुंबई चोर बाजार। मुंबई का चोर बाजार दक्षिणी मुंबई के मटन स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड के पास है। ये मार्केट करीब 150 साल पुराना है। ये बाजार पहले शोर बाजार के नाम से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ दुकानदार तेज आवाज लगाकर सामान बेचते थे तो यहाँ पर काफी शोर रहता था, लेकिन अंग्रेज लोगों के शोर को गलत बोलने के कारण इसका नाम चोर बाजार हो गया। यहाँ सेकेंड हैंड कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चुराई गई घड़ियां, ब्रांडेड घड़ियों की रेप्लिका, चोरी के विंटेज और एंटीक सजावटी सामान मिलते हैं। इस मार्केट के लिए कहावत भी कही जाती है कि यहाँ आपके घर से चोरी हुआ सामान भी मिल जाएगा। मुंबई जाने पर चोर बाजार जरूर घूमे। ये मार्केट रोजाना 11 बजे से शाम 7:30 तक खुलता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मुंबई की यात्रा के दौरान क्वीन विक्टोरिया का सामान शिप में लोड करते समय चोरी हो गया और यही सामान बाद में मुंबई के चोर बाजार में मिला। नंबर 2, दिल्ली का चोर बाजार। ये देश का सबसे पुराना चोर बाजार है। पहले ये संडे मार्केट के तौर पर लाल किले के पीछे लगता था, अब ये दरियागंज में नॉवेल्टी और जामा मस्जिद के पास लगता है। ये बाजार मुंबई से अलग है, इसे कबाड़ी बाजार भी कहते हैं। यहाँ हार्डवेयर से लेकर किचन इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाता है। ये मार्केट जामा मस्जिद के पास संडे के दिन लगती है। यहाँ खरीदते समय प्रोडक्ट जांच लें, क्योंकि जैसा वेंडर कहते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं निकलता। यहाँ के लिए एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि एक आदमी ने यहाँ गाड़ी पार्क की और उसे अपनी गाड़ी के टायर दुकान में बार्गेन करते समय मिले। नंबर 3, सूतीगंज मेरठ यूपी। यूपी के मेरठ में सूतीगंज मार्केट काफी फेमस है। इस मार्केट को चोरी की गाड़ियों और स्पेयर पार्ट्स का गढ़ माना जाता है। यहाँ सभी गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ चोरी, पुरानी और एक्सीडेंट में खराब हुई गाड़ियाँ आती है। मेरठ की सूतीगंज मार्केट एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट भी है। ये मार्केट मेरठ सिटी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलती है। यहाँ सामान खरीदने के लिए आपको सही डीलर मिलना जरूरी है। कहा जाता है कि सूतीगंज में 1979 की अम्बेसडर का ब्रेक पिस्टन, 1960 की बनी महिंद्रा जीप क्लासिक का गियर बॉक्स, वर्ल्ड वॉर की विलेज जीप के टायर भी मिल जाएंगे। नंबर 4, चिकपेटे बेंगलुरु। दिल्ली और मुंबई के चोर बाजार के मुकाबले बेंगलुरु कम फेमस है। ये मार्केट बेंगलुरु में चिकपेटे जगह पर संडे के दिन लगती है। यहाँ सेकंड हैंड गुड्स, ग्रामोफोन, चोरी के गैजेट्स, कैमरा, एंटीक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और सस्ते जिम इक्विपमेंट्स मिलते हैं। ये मार्केट लोकल मार्केट की तरह ही है। ये मार्केट एक गाँव के मार्केट की तरह ही संडे के दिन लगती है। नंबर 5, पुद्दुपेटाई चेन्नई।
सेंट्रल चेन्नई में स्थित ऑटो नगर में पुरानी और चोरी की कारों को मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में दुकानें हैं। ये दुकानें गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट्स और कार को बदलने के लिए फेमस है। इन्हें इस काम में इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है। यहाँ गाड़ियों के तमाम स्पेयर पार्ट से लेकर कार मॉडिफाई का सामान और सर्विस मिलती है। ये चोर बाजार गाड़ियों को बदलने का सबसे सस्ता जरिया है। इस मार्केट में कई बार पुलिस की रेड भी पड़ी है, लेकिन ये तब भी कभी बंद नहीं हुई। ये मार्केट एग्मोर ट्रेन स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। कहा जाता है कि यहाँ अपनी गाड़ी या बाइक कभी भी पार्क न करें। हो सकता है आपको अपनी गाड़ी के पार्ट्स मार्केट की दुकानों पर मिले। तो दोस्तों, अब आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी चोर बाजार के बारे में। वैसे दोस्तों, ये सारे चोर बाजार पुलिस की देखरेख में ही रहते हैं, फिर भी आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि आप अपना पर्स आगे वाली जेब में रखें, मोबाइल लेकर ना जाए तो बेहतर होगा, ज्यादा पैसे लेकर ना जाए, बैग आगे टांगे, क्योंकि दोस्तों ये मत भूलना कि आप किसी शॉपिंग मॉल में नहीं बल्कि चोर बाजार में गए हैं। यहाँ पलक झपकते ही आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चोर बाजार गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप अभी कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।